सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डाइजेशन के पार्ट थर्ड वीडियो के साथ। मैंने पार्ट वन और टू अपलोड कर दिया है, तो अभी तक अगर आपने देखा नहीं है उस पार्ट को तो ज़रूर देखें ताकि आपका फ्लो बना रहे। और ये पार्ट थर्ड में हम इसोफेगस स्टमक के बारे में देखेंगे कि क्या इसके फंक्शन होते हैं, कैसे खाना इसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक में खाना को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डाइजेशन का और ये इम्पॉर्टेंट है नीट, एम्स और 11th क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसोफेगस। सो इसोफेगस इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ। जो माउथ का लोअर पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में, वहाँ से ये अराइज होता है और अपर पार्ट ऑफ स्टमक देख रहे हैं, यहाँ पे स्टमक स्टार्ट हो रहा है तो अपर पार्ट ऑफ स्टमक तक ये जाता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक ए स्ट्रक्चर विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट इज़ जो भी ये क्या करता है कि दे हेल्प इन कैरी द फूड दैट इज़ कॉल्ड बोलस फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। सो वन मूवमेंट इज टेक प्लेस दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस इन द इसोफेगस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पर खाना है और ये बोलस है, तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है और डिस्टल, मतलब ऊपर वाले को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं और नीचे वाले को डिस्टल बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल पार्ट के जो मसल्स होते हैं इसोफेगस के, दे आर अप्रॉक्स टू ईच अदर, मीन्स दे आर कॉन्ट्रैक्टेड सो दैट द बोलस इज पुश फॉरवर्ड, ये नीचे की तरफ और आगे की तरफ पुश होते हैं और ये आगे की तरफ आया। तो सपोज़ मान लीजिए अब यहाँ पे आया तो ये इसके प्रॉक्सिमल जो पार्ट होते हैं वहाँ पे पुश होगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा, फिर प्रॉक्सिमल पार्ट और होगा, मतलब कि जो डिस्टल पार्ट होगा वो रिलैक्स होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे खाना नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो पेरिस्टेल्सिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड एंड इट इज़ अ रिंग लाइक पेरिस्टेल्सिस कॉन्ट्रैक्शन विच इज स्वीपिंग डाउन द इसोफेगस, स्वीपिंग डाउन द फूड इन द इसोफेगस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इसोफेगस, दैट इज पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टमक। स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर एंड इट इज द जे शेप स्ट्रक्चर। जे शेप होता है, जे शेप तभी होता है जब हम हंग्री होते हैं, जब हम भूखे होते हैं और काफ़ी देर हो गई है खाए हुए तो पेट लटक जाता है, तो जे दे बिकम अ जे शेप। वेन इट इज फिल्ड विद द फूड दे बिकम अ इन्वर्टेड सी शेप। तो इन्वर्टेड मतलब खाना भर गया तो इन्वर्टेड सी शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इट इज़ द जे शेप स्ट्रक्चर, दिस इज अ मोस्ट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज डिवाइडेड इनटू द कार्डिक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो जो इसोफेगस ओपन होता है स्टमक के अंदर, तो उस वाले पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को देते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिक पार्ट। और अगर कार्डिक पार्ट से मैं अगर लाइन पास करूँ स्टमक के, तो जो ऊपर वाला पार्ट ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, तो दिस इज कॉल्ड फंडस पार्ट वेयर द गैस इज स्टोर इन साइड इट। तो कार्डिक पार्ट वेयर द इसोफेगस इज ओपन, दिस इज दिस पार्ट इज प्रेजेंट नियर टू द हार्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कार्डिक पार्ट। और कार्डिक पार्ट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टमक के, दैट इज कॉल्ड फंडस वेयर द गैस इज स्टोर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। बॉडी जो होता है मेन पार्ट होता है वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड इज टेक प्लेस। जो भी स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है वो वहाँ पे होता है बॉडी के अंदर। लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट में जो होता है पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, तो दो पार्ट होते हैं पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, और फिर जो स्टमक का पार्ट होता है ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। नाउ द कैपेसिटी ऑफ स्टमक इज अप्रॉक्स 1.5 टू 1.7 लीटर, बट इज डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, बट ऑन एन एवरेज इसे हम ऐसा करते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर ये करीब 1.5 लीटर से 1.7 लीटर तक खाना अंदर आ सकता है। सो फूड स्टे इन स्टमक इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड, कि किस टाइप का फूड आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड्स, प्रोटीन और लिपिड्स, फैट। तो इट डिपेंड करता है कि जो खाना है किस टाइप का स्टमक में है, उसी के हिसाब से वो स्टे होगा स्टमक के अंदर। सो फूड स्टे इन स्टमक इज अप्रॉक्स 2.5 टू 5 लीटर एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लीव फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, एंड दे फॉलो बाय द प्रोटीन रिच फूड एंड फैट रिच फूड। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बाहर निकल जाएगा इस टाइप के
क्वेश्चन आते हैं, फिर प्रोटीन रिच जाएगा, फिर फैट रिच धीरे धीरे जाएगा। तो ये खाने का वो है। अब देखते हैं कि स्टमक जो होता है, स्टमक की स्टडी को हम गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एंड दिस स्टमक इज एब्सेंट इन द लेवियो, दैट इज अ फिश लेवियो, एंड लैम्प्रे और हैग फिश में नहीं होता है। फंडिक पार्ट जो होता है फ्रॉग में नहीं होता है, और कंपाउंड स्टमक रुमिनेंट एनिमल्स पे पाया जाता है, जो गाय गाय भैंस बकरी होती हैं उनमें कंपाउंड स्टमक मिलता है, जो कि उनमें उस हिसाब से डाइजेशन होता है। तो अब हम देखते हैं कि ओमेंटम क्या होता है और कर्वेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये स्टमक होता है, ऐसा स्टमक मैंने बनाया था। तो इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा मैं डार्क बना रहा हूँ, और ये वाला पार्ट भी मैंने डार्क अभी बनाया है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड लेज़र कर्वेचर और लेज़र ओमेंटम, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है स्टमक के बाहर है, दे आर कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर। तो जो लेज़र कर्वेचर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो लेज़र कर्वेचर यहाँ पे लीवर होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा। तो जो लीवर होगा, तो दिस ग्रेटर लेज़र कर्वेचर इज़ हेल्पफुल फॉर अटैच द लीवर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेज़र ओमेंटम और लेज़र कर्वेचर दे हेल्प इन अटैच द स्टमक टू द लीवर। तो स्टमक जो होता है लीवर से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेटर ओमेंट लेज़र ओमेंटम। और जो ग्रेटर ओमेंटम है, आपको पता होगा कि यहाँ पे पूरा लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है। तो ये लार्ज इंटेस्टीन से अटैच होता है ग्रेटर ओमेंटम, तो हेल्प इन अटैच द स्टमक टू द इंटेस्टीन, बेसिकली लार्ज इंटेस्टीन। सो द ग्रेटर ओमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन, वेयर द लेजर ओमेंटम इज हेल्पफुल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लिवर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ स्टमक। जैसे अभी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है कि कार्डिक पार्ट जो होता है, दे आर फेसिंग टुवर्ड द हार्ट, देयर फॉर दे आर कॉल्ड कार्डिक पार्ट। फंडस पार्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दे आर कॉल्ड फंडस। गैस इज स्टोर्ड, एंड बॉडी इज द मेन पार्ट वेयर द फूड इज स्टोर्ड, फूड इज डाइजेस्ट। एंड पाइलोरिक पार्ट, जो लोअर पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, एंट्रम पहला वाला होता है और कैनाल होता है, जो कैनाल उसमें ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द स्टमक। नाउ जो एंट्रम पार्ट होता है, तो एंट्रम पार्ट में क्या होता है कि एंट्रम के बहुत सारे सेल्स होते हैं। द वन इज कॉल्ड जी सेल एंड अनदर इज कॉल्ड डी सेल। तो जी सेल जो होता है गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, तो जी से आप याद कर सकते हैं, जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। और गैस्ट्रिन जो होता है गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है, ताकि गैस्ट्रिक जूस निकले और फूड को डाइजेस्ट करे। वाइल द डी सेल दे सिक्रीट द सोमैटोस्टेटिन्स हॉर्मोन एंड विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक रिलीज। ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक ना निकल पाए, ताकि हार्मफुल इफेक्ट ना आ पाए गैस्ट्रिक जूस का, इसलिए इसे स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो सोमैटोस्टेटिन्स उसे स्टॉप करने में मदद करता है। नाउ द कैनाल, क्योंकि एंट्रम और कैनाल होता है, कैनाल जो इट इज़ अ पाइलोरिक स्प्रिंचर विच गार्डेड द ड्यूडनम। मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैंने स्टमक बना दिया, तो स्टमक और यहाँ पे अब ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंचर। इससे क्या होगा कि फूड अगर जो ड्यूडेनम में आ गया, दे नॉट रिटर्न बैक टू द स्टमक। सो स्पिंचर का काम ही यही होता है कि जो रिटर्निंग को रोके और जो चीज़ आ गया वो दोबारा ना जाए। सो दिस इज फंक्शन ऑफ द कैनाल और स्पिंचर। नाउ डिस्कस अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ग्लैंड्स इन स्टमक। जो ग्लैंड्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सेंटिक और ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं। और दे आर द फोर टाइप ऑफ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन स्टमक। तो फर्स्ट इज कॉल्ड ऑक्सेंटिक सेल्स, पराइटल सेल्स और एसिडोफिलिक सेल्स। बहुत बार क्वेश्चन आया इससे कि ऑक्सेंटिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड पराइटल सेल। सो दिस सिक्रीट SCL और CIF। CIF का मतलब होता है कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। तो कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। मतलब ये डाइजेस्ट करेगा और इसे एब्जॉर्ब कहाँ कराएगा, इंटेस्टीन, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। तो देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि इस पर क्या होता है कि ये स्टमक है मान लीजिए।
तो आपने विटामिन B12 खाया, तो विटामिन B12 को कौन कैप्चर करेगा? केस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर कैप्चर करेगा। तो केस्टल इंसेंट्रिक फैक्टर उसे कैप्चर कर लेगा और इसे डाइजेशन में मदद करेगा, उसे लेके आके ड्यूडेनम के पास दे देगा ताकि इसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसे एब्जॉर्प्शन के लिए केस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन B12 जो होता है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज़ अ मीट। मीट में सबसे ज़्यादा ये विटामिन B12 होता है। और मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट में अगर बात करें तो मीट में सबसे ज़्यादा होता है, और अगर वेजिटेरियन में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कर्ड में ही विटामिन B12 होता है, और बहुत कम फ्रूट्स वगैरह में होता है, बहुत कम ट्रेस अमाउंट में होता है। तो कर्ड इज़ मोर अबंडेंट, कर्ड इज़ मोर अबंडेंट इन विटामिन B12 एंड मीट इज़ ऑल्सो। एंड दिस विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, RBC, RBC और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये डिफिशेंसी हो जाए, अगर कोई नॉ वेजिटेरियन डाइट है, वेजिटेरियन है और कर्ड भी काफ़ी दिनों से नहीं खा रहा है, तो मतलब कि विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो सकती है। तो दे लीड्स टू द परनीसियस इनीमिया, बहुत खतरनाक टाइप का इनीमिया होता है, परनीसियस इनीमिया। परनीसियस का मतलब ही होता है खतरनाक, मोस्ट डेंजरस। तो परनीसियस इनीमिया हो सकता है। तो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12 इज लीड्स टू द परनीसियस इनीमिया। तो इसलिए आपको अगर वेजिटेरियन है तो कर्ड खाली पेट खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे कंटेन द विटामिन B12। और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो महीने में 3-4 बार अगर आप मीट और चिकन वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B12 की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वे डिस्कस अबाउट द चीफ सेल। ये पहला ऑक्सेंट्रिक सेल आप याद रखेंगे कि SCL और केस्टल इंसेंट्रिक फैक्टर जो होता है ये हमारा ऑक्सेंट्रिक सेल से सिक्रीट होता है। और जो चीफ सेल होते हैं वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, प्रोरेनिन सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में। सो दे आर प्रोड्यूस म्यूकस विच इज़ प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बिंग डाइजेस्टेड। क्योंकि SCL जो होता है, SCL का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि वो स्टमक के वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एसिड है। तो म्यूकस जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, क्योंकि स्टमक के इनर वॉल में म्यूकस का लेयर होता है, म्यूकस का कोटिंग होता है, म्यूकोसा बने होते हैं, उससे SCL का इफेक्ट से बचा सके। नाउ वी डिस्कस अबाउट सरफेस म्यूकस सेल। तो सरफेस म्यूकस सेल ये भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। सो फंक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है कि पेप्सिनोजन जो होता है SCL के मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है, दे कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ SCL। आपको पता ही है कि SCL ऑक्सेंटिक सेल सिक्रीट करता है, एंड दिस पेप्सिन इज हेल्पफुल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विच इज ब्रेक द प्रोटीन इन टू द पेप्टोन प्रोटीजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करता है इसे। नाउ रेनिन से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इट इज़ कन्वर्टेड मिल्क प्रोटीन। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है बच्चों में जनरली ये फंक्शनल होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैसीन प्रोटीन इन टू द कैल्शियम, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो होता है कि मिल्क प्रोटीन को ये करता है रेनिन। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज़ ड्यू टू द रेनिन, और मिल्क प्रोटीन के अंदर जो चीज़ होता है वो कैसीन होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज दूसरा एंजाइम है, दे हेल्पफुल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स इन टू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। आप ध्यान रखेंगे कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है बिकॉज स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है और ट्रेस अमाउंट में लिपिड डाइजेस्ट होता है। तो दिस इज़ एंजाइम के अंदर एक्टिविटी होती है। अब हम बात करते हैं SCL के बारे में और क्या फंक्शन है SCL का, क्योंकि SCL स्टमक में अंदर होता है और ये स्टमक के वॉल को ख़राब भी कर सकता है। बट हमारे स्टमक के इनर साइड में म्यूकोसल ग्लैंड होते हैं, म्यूकोसा के लेयर होता है, उसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सो इट हेल्पफुल फॉर द किल्स द बैक्टीरिया द कन्वर्टेड पेप्सिनोजन दैट इज़ इन एक्टिव फॉर्म इन टू द पैप्सिन दैट इज एक्टिव फॉर्म, दे कन्वर्ट प्रो रेनिन इन टू द रेनिन। ये सारे SCL के काम है। सो डाइजेशन इन साइड द स्टमक मेनली प्रोटीन एंड ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्प्शन इन साइड द स्टमक। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सिंपल शुगर एल्कोहल हमारे स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं।
फिर कुछ डिजीज से रिलेटेड हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम कंपाउंड स्टमक भी देखेंगे कि कंपाउंड स्टमक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और इसे शेयर ज़रूर करें।